अजय देवगन की मूवी आ रही है उसका नाम है भोला तो उसका टीजर आया लेकिन है कौन कौन टीजर अजय देवगन है और तब्बू हैं ये शोर तब्बू हैं तब्बू हैं ये जो बैकग्राउंड चलाया ना इन्होंने वाह इस उम्र में ये काम करवाया अजय देवगन मुझे तो लगता है ये तो 100% भोला लुक्स पूरा विनिंग फॉर्मूला है मेरे हाँ, ख्याल में ये नहीं ये नहीं फ्लॉप होती ये नहीं फ्लॉप होती वेलकम टू लॉलीपॉप यू वाचिंग नाउ द लाइफस्टाइल मेरा नाम है वकास विब्राना मेरे साथ मौजूद हैं मरियम मिसाल एंड अली वारसी आज हम आपकी खिदमत में जब हाजिर हो रहे हैं तो आई एम वेरी एक्साइटेड द रीजन बीइंग अजय देवगन की मूवी आर यू उसका नाम है भोला और उसका टीज़र आया लाइक देर आर टू टीजर्स एक नंबर वन है एक नंबर टू है टीज़र वन जो था वो आई थिंक केम कपल मंथ्स बैक द टीज़र जस्ट केम ड्रॉप लाइक आई थिंक अ डे और कपल ऑफ डेज बैक और हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने कमेंट करके ऑन आर फर्स्ट वीडियो दैट अ रिएक्शन ऑन सेल्फी उन्होंने कहा जी आप भोला देखें और भोले का रिएक्शन करें

and when i watched it i was like oh my god acha what's happening here dekhte hain full bhai vibes hain to phir start kare kamal vibes hain so shuru karte hain दे पाया गुड़िया ये जो background चलाया ना इन्होंने आज की वाइब्स हैं यार। ओम। oh oh. कोई विलन डाला है कोई? विलन कौन है? शाहिद? I don't know. I don't know who's that. this is good वाह जी इस उम्र में ये काम करवाए हैं जी देवगन <laughs> <उू। laughs> एक बार जब उसने रण को तिलक लगा दिया भूल जाता है उसके तड़पे सब Oh, Bhola. Nice. The Bhagwan name Bhola. In 3D. 3D mm I, I, I don't know. I just want to watch it right now. I ah, wish I had see. that movie. It's super hit. And I just sit down and watch this movie. Like, yes, without my does, mobile. I'll, I'll put my mobile on.

और एक जो वो मोटरसाइकिल वाला सीन है ना जिसमें yeah. वो जाके वजह ट्रक के दरवाजे में हाँ. और फिर ट्रक के नीचे ही आ गया हाँ. वो सीन जो है ना वो मैं इट इट वाज लाइक माय वर्स्ट नाइटमेयर इज कमिंग ट्रू हां क्योंकि मैं बहुत डर लगता है सोचता हूं कि कहीं मैं किसी दिन बस से गिर के मैं <laughs> और बैकग्राउंड तो स्कोर इसका ये जो ने चलाया है ना आज फिर जीने की तमन्ना है आज फिर मरने का इरादा है oh. या, तो वो टच भी बड़ा फिट बने ना hmm. उसके अली मैं क्या ना भूल गया, गया था।, था फुल 300 जो मूवी थी ना उसकी वाइब्स हैं मतलब पूरी पूरी वो उसमें भी ये जो ये इन्होंने चलाया ना वो स्नोई इफेक्ट जो है oh. वो अच्छा मुझे वाइट वॉकर्स याद आएंगे वो

नेकी की शक्ति है तो फिर कोई बदी की शक्ति भी होगी यकीन hmm. तो आई आई थिंक के इसमें कोई वो वाला सीन भी इस है इस तरह का है क्योंकि द वे ही इज वो इबादत कर रहा है आई थिंक कोई हाँ। तो उसके मोमेंट में जब लायन से उसका है एंड देन जिस जगह से ड्रैग करके वो लेकर आ रहे हैं अजय को वो मंदिर की सीढ़ियों मंदिर टाइप की जगह लेकिन बहुत डार्क है व्हिच मींस इट इज

आगा आगा नहीं उसके अंदर उसकी पास्ट को कनेक्ट किया जाता है विलन के पास्ट को भी कि विलन की बचपन के अंदर ये चीज़ हुई थी oh. और हीरो के बचपन से ये चीज़ कनेक्टेड मतलब डाइंग इन डाइंगज द लोएस्ट मोमेंट एंड दे जस्ट गो बैक टू हिज पास्ट और उसकी पास्ट की मेमोरीज आने लग जाएंगी तो वो चीज मुझे इसका नजर आई व्हेन ही इज बीइंग ड्रैगड और उसके वो एक वो जब लेटा हुआ हॉर्स इनके अंदर वो लड़की चलती हुई जा रही है लड़की चलती हुई जा रही है उसकी पाइल जो है वो गिरती है तो फिर वो कहता है ये मरता क्यों नहीं है वो तो कहता है कि आज नहीं मैं मर सकता वो फिर उसकी पायल को जाके इस तरह तो होता हो है कि फिर वो ड्राइविंग फोर्स बनती है वो मेमोरी उसकी और वो कम्स बैक टू लाइफ ये मुझे टच उसका ना हां वो मुझे भी इस तरह की रील्स आती हैं इफ दैट्स द केस तो ये तो फिर बहुत बड़ी हिट होने जा रही है बिकॉज़ जो यूथ है इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट और मे बी रिलेट टू दैट तो वो तो वो तो अली उसकी तो ऑडियंस ही अलग है भाई इतनी डेडिकेटेड ऑडियंस है एनीमे ही ऐसे ही है आई थिंक ये जो है ना है। वो बड़ा आ, मेरे हिसाब से ना ये भोला त्रिशूल वो एक्शन जिस तरह का है नहीं जिस तरह का एक्शन तो छोटी फिल्म का ये फिल्म एक ही फिल्म में भोला में त्रिशूल है वो देखे वो देखे गौर से देखे तो वो जो बन रहा है ना मतलब जिन ऑडियंसिस को कैटर किया जा रहा है वो बहुत वाइड रेंजिंग है तो उससे जो है वो लगता है कि hmm. हां ये अपीलिंग है कि इन्होंने ऑडियंस माइंड yeah. में रखी हुई है और उसको अपील कर रहे हैं दे आर हिटिंग दैट नो आई मुझे तो इतनी कमाल वाइब्स आई मैं भिल्कुल. तो टीजर देखा तो आई वाज लाइक ओह माय गॉड यार दिस इज गोइंग टू बी समथिंग दिस इज वर्थ वाचिंग दिस इज लाइक आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग अच्छा अब ये पता क्या है इसको जो है ना मुझे पायरेटेड देखना पड़ेगा

बहुत रिलेटेबल आपको नहीं लगती वो but they look like their real life stories. Mm. किसी के साथ ऐसा हो सकता है mm. कोई शख्स जो है वो एक की दुनिया से ताल्लुक रख सकता है उसको एक उसकी औलाद जो है वो उस चीज को छोड़ने पर मजबूर कर सकती है और फिर उसी औलाद के लिए उसको बचाने के लिए वो दोबारा से उस दुनिया का के जो अपना एक्सपीरियंस है उसको ला सकता है एंड देन ओबियसली जो रिलीज उसके अंदर चीज थी जो उसके पंडित के दिमाग में होती है और वो फिर एक नेगेटिव भी जहनीत में उसके चला जाता है वो सब कुछ रिलेटेबल है वो रियल है वो नज़र आता है आपको जो स्टोरीज हम आज देख रहे हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं कि वो उसमें वो चीजें नज़र नहीं प्रॉब्लम hmm. ये, ये है तो so, मुझे मुझे लग

आप अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में बताएं कि हाउ यू लाइक दिस टीज़र ऑफ भोला उस पर आप जरूर कमेंट करें एंड कोर्स प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन आपको मैं कितनी दफ़ा बताऊं कि जिंदगी आप चाहते हैं कि वो अच्छी हो आप आगे जा के कामयाबियाँ हासिल करें तो यू नीड टू प्रेस दैलाइकॉन उससे ये होगा ना कि आप हमारी वीडियोस देख सकेंगे उससे आप खुश होंगे खुश होंगे तो ज़िंदगी में टेंशन कम होंगे टेंशन नहीं हो तो आप फोकस कर सकेंगे लाइफ पे लाइफ पे फोकस कर सकेंगे तो तरक्की कर सकेंगे इट्स अ सिंपल फॉर्मूला जस्ट वॉच ऑफ वीडियोज़ एंड तरक्की करें बाय बाय <laughs>